गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट. माई सेल्फ मिस पूजा. आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन विथ आर रिविजन लेक्चर. स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन विथ रिविजन, इंग्लिश रिविजन. बच्चों हमने हमारे कल के पिछले ऑनलाइन लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था. येस और नो स्टूडेंट्स, एंड यू ऑल हैव रिटन इट इन योर इंग्लिश नोटबुक, और आपने उसे आपके इंग्लिश नोटबुक में कंप्लीट किया था. नाउ स्टूडेंट्स, इन आर टूडेज ऑनलाइन लेक्चर आई एम गोइंग टू explain you the grammar revision, the grammar that will come in your semester exam. Now students, as you know that your semester exams are very very important for you all, so do not miss your semester exams and practice well at home. And also I would like to tell you that there are many instruction that I am going to give you at the end of this lecture, because the next day you are having your English paper, English exam. Yes or no students? Yes. So students, now let us begin with our English grammar revision. Then I am going to give you some important instruction related to the exam. बच्चों आज के ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको ग्रामर रिविजन बताने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज टू क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू लर्न दिस क्वेश्चन एंड राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक. आप इसे लर्न करोगे और आपके इंग्लिश नोटबुक में लिखोगे. स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश नोटबुक, राइट टूडेज डेट एंड राइट इंग्लिश ग्रामर रिविजन. ओके स्टूडेंट्स, पुट द हेडिंग इंग्लिश ग्रामर रिविजन. स्टूडेंट्स राइट टूडेज डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज, राइट ग्रामर रिविजन. बच्चों आपके ऊपर न्यू पेज पर आपको आज का डेट डालना है और लिखना है ग्रामर रिविजन. आज के जो रिविजन में मैं बताने वाली हूँ, ग्रामर रिविजन में सिर्फ दो टॉपिक्स आएंगे, जो कि आज का लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा रिविजन लेक्चर. एज यू नो, आपको जैसे पता है कि कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं. सो लेट अस बिगिन क्वेश्चन नंबर 1. जॉइन टू वर्ड्स टू गेट अ न्यू वर्ड. आपको टू वर्ड्स जॉइन करके आपको नया वर्ड तैयार होगा, आपको न्यू वर्ड मिलेगा. आपको पिक्चर दिए रहेंगे, आपको उन पिक्चर को आप स्पेलिंग, आपको दोनों पिक्चर्स को जॉइंट करना है और उनकी स्पेलिंग से आपको एक नया वर्ड तैयार होगा. फ्रॉम द टू वर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू वर्ड. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन रेन प्लस बो, दैट इज रेनबो. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आप पिक्चर देख सकते हो, रेन रेन, येस और नो. और सेकंड है बो. बो कहाँ यूज़ होता है? बो शर्ट में यूज़ होता है. रेन यानि बारिश. रेन प्लस बो हमें मिलता है न्यू वर्ड रेनबो. सो स्टूडेंट्स लाइक दिस यू विल जॉइन द वर्ड्स एंड यू आर गोइंग टू राइट द स्पेलिंग. सो लेट अस सी द स्पेलिंग ऑफ रेनबो. See, this is a picture of a rain, you can see, and this is bow. So R-A-I-N, rain, B-O-W, bow. So you are going to join the two spelling and you are going to make a single spelling, that is the answer, R-A-I-N, B-O-W,
रेनबो। आपको दोनों वर्ड्स को जॉइन करके न्यू वर्ड मिलेगा, वो आपको लिखना है। सेकेंड वन इज सन, SUN सन। एंड हियर यू कैन सी इट इज अ फ्लावर। स्पेलिंग ऑफ फ्लावर इज FLOWER, फ्लावर। सन प्लस फ्लावर, दैट इज सन फ्लावर। सन प्लस फ्लावर सन फ्लावर होता है। सन प्लस फ्लावर, आपको आपका न्यू वर्ड मिला। द न्यू वर्ड यू गॉट, दैट इज द आंसर इज सन फ्लावर। SUN सन, FLOWER फ्लावर। सो इन द एग्जाम द पिक्चर इज गिवेन, यू विल जॉइंट द टू पिक्चर्स एंड यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू वर्ड, दैट इज योर आंसर। अगेन थर्ड वन, WATCH वॉच। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ वॉच, येस। हियर इट इज अ मैन, MAN मैन। Watch plus man, that is the answer you are going to get is watchman. WATCH watch, MAN man, watchman. Okay students, the fourth one is, you can see the basket. BASKET, basket plus ball, BALL ball. So the answer is basketball, BASKET, basket, BALL ball, basketball. Okay students, so students, now again I am repeating, so let you all also repeat along with me. The first one is rain plus bow, that is rainbow. बच्चों आपको मेरे साथ ही रिपीट करना है ताकि आपका यहाँ पे ही रिवीजन हो जाए। आपको जैसे पता है कि कल एग्ज़ाम्स है और मैंने ये ऑलरेडी जब लेसन्स के रिवीजन दिए थे तभी मैंने ये ही ग्रामर रिवीजन वहाँ पर भी आपको सिखाया था, तो आपके लिए ये एक रिवीजन होगा। सो स्टूडेंट्स रिपीट अलॉन्ग विथ मी, RAIN रेन, BOW बो रेनबो। सेकेंड वन इज सन प्लस फ्लावर। सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हो, सन प्लस फ्लावर, आपको आपका वर्ड मिलता है सन फ्लावर। SUNFLOWER सन फ्लावर। थर्ड इज वॉच प्लस मैन, दैट इज वॉचमैन। WATCH वॉच, MAN मैन, वॉचमैन। So watch plus man, you are going to get a new word, watchman. Fourth one, basket plus ball, you are going to get a new word, basketball. BASKET basket, BALL ball, basketball. Okay students, so here you are going to draw the picture in your English notebook and you are going to write. So students, now as you have seen that question number 1 grammar revision is completed. Question number 1, jo question number 1 grammar mein tha wo complete ho gaya. Aap isse question number 8 bhi likh sakte ho aapke notebook mein. Ye English grammar revision tha जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कॉम्पोजिशन ऑन माई सेल्फ। आपको कॉम्पोजिशन आएगा माई सेल्फ पे। यू इन द क्वेश्चन नंबर 2 you are supposed to write all the details on myself, that is yourself. You are going to write your name, you are a boy or a girl, where do you live, like this. You will read the question and you will write the answer. Bachcho, aap pehle question read karoge aur fir uska answer likhoge. Question number 2
is write composition on myself. First one is, ये आपको न्यू पेज पे हेडिंग डालना है. क्वेश्चन नंबर टू, राइट कंपोजिशन ऑन माई सेल्फ आपके इंग्लिश नोटबुक में. फर्स्ट वन है माई नेम इज डैश. मेरा नाम क्या है? माई नेम इज डैश. आपको आपका नाम लिखना है स्टूडेंट्स. आप ये डैश देख रहे हो, यहाँ पे मैंने डॉट लिखा है. सो यू आर गोइंग टू राइट योर फुल नेम एंड सरनेम ऑल्सो. बच्चों यहाँ पे आपको पूरा नेम और सरनेम लिखना है. माई नेम इज डैश. अब आपको आपका नाम लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज आई एम अ डैश बॉय और अ गर्ल. नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर बॉय, दे आर गोइंग टू राइट आई एम अ बॉय, बी ओ वाई बॉय. एंड दोस हु आर गर्ल्स, दे आर गोइंग टू राइट जी आई आर एल गर्ल. जो बच्चे बॉयज है, बॉय में आते हैं, वो लिखेंगे आई एम अ बॉय, और जो गर्ल है वो लिखेंगे जी आई आर एल गर्ल. आपको दोनों नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक ही लिखना है. अगर आप बॉय हो तो आपका आंसर आएगा आई एम अ बॉय. इफ़ यू आर अ बॉय योर आंसर विल कम ओनली बॉय, एंड इफ यू आर अ गर्ल योर आंसर विल कम. द थर्ड वन इज आई लिव इन डैश. आई लिव इन नाला सोपारा. सो द स्पेलिंग ऑफ नाला सोपारा यू हैव टू लर्न स्टूडेंट्स. एन ए डबल एल ए एस ओ पी ए आर ए, नाला सोपारा. आई लिव इन नाला सोपारा. बच्चों आपको नाला सोपारा का स्पेलिंग लर्न करना पड़ेगा, तभी आप उसका प्रॉपर स्पेलिंग लिख सकोगे. आई लिव इन नाला सोपारा. नाउ दिस आंसर एवरी वन विल राइट द सेम, बिकॉज एवरी वन लिव्स इन नाला सोपारा. ओके, फोर्थ वन इज यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ नाला सोपारा. एन ए डबल एल ए एस ओ पी ए आर ए, नाला सोपारा. फोर्थ वन, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. नाउ यू कैन सी योर डैश. Now you will write how much old you are. That is, if you are 7 years old, your answer will come S-E-V-E-N 7. Okay students, some students might be 8 years old, so their answer will come E-I-G-H-T 8. Okay, so I am dash years old, so you are going to write I am 7 years, I am 6 years. How much old you all are, that answer will come in the dash. I study, fifth one, I study in standard first. Main standard first mein padhta hu. So first students, you are going to write first like this, first. Okay, this is first, like capital I and then st, small st. In the Roman numbers also we use first in the same way. Sixth one, I go to dash school. I go to Divine Life High School. मैं Divine Life High School में जाता हूँ. In which school you study students? Your school's name is Divine Life High School. So you are going to write the spelling D-I-V-I-N-E, Divine, L-I-F-E, Life, H-I-G-H, High. Okay students, so this is a composition on myself. Question will be asked, you have to write the answer in the blanks. Questions, sentence diya rahega, aapko answers padke blank mein likhna hai. Okay students, so here we have completed our revision, that is grammar revision. बच्चों यहाँ पर हमारा English grammar revision ख़त्म होता है. आपको question number वन जो मैंने grammar revision में आज के lecture में कराया है, this you are going to write in your English notebook. ये आपको आपके English notebook में लिखना है. और ये भी question number टू, write composition on myself, this also you are going to write in your English notebook. Okay students, now as you all know that from tomorrow your exam is starting,
एंड योर फर्स्ट पेपर इज इंग्लिश, यस और नो? बच्चों आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है, आपका इंग्लिश एग्ज़ाम। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम्स आपको कंपलसरी है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, रिविजन टिप्स फॉर एग्ज़ाम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। बच्चों अब आपको ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो बच्चों आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको पता है कि कल से स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से, और आपका पेपर का टाइमिंग है 9 to 10:30, 9 से 10:30 जो आपको टाइम टेबल में दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको टीचर ग्रुप में टाइम देगी कि आपको एग्ज़ाम 6 o'clock के अंदर पेपर सबमिट करना है। स्टूडेंट्स आपको टीचर का मैसेज आएगा कि यू आर गोइंग टू सेंड द पेपर बाय टुडे बाय 6 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, आपको वहाँ पे मैसेज में लिखा रहेगा कि आपको 9 o'clock को पेपर आएगा और आपको शाम को इवनिंग तक 6 बजे के अंदर ही आपको आपका पेपर सबमिट करना है। और जिन स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं सबमिट बिकॉज ऑफ द फ़ोन इशू, जो बच्चे 6 o'clock तक पेपर सबमिट नहीं कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक चांस दिया जाएगा वो पेपर सबमिट करने को। यानी कि पूरा दिन आपका कंसिडर होगा, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, यानी जब तक आपका सेकेंड पेपर नहीं आता है आप तब तक ये वाला पेपर टीचर को सेंड कर सकते हो। गॉट इट स्टूडेंट्स? यानी जब आपका दूसरा पेपर दूसरे दिन 9 बजे आएगा, उसके बाद आप इंग्लिश पेपर नहीं भेज सकते। आपको उस दिन पूरा दिन का टाइम दिया जाएगा और मॉर्निंग तक आपको टाइम रहेगा पेपर सेंड करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू सेंड ऑन दैट कॉन्टैक्ट नंबर विच विल कम इन द ग्रुप। आपको वही कॉन्टैक्ट नंबर पर आपका पेपर भेजना है जो ग्रुप में आया रहेगा। आप जब पेपर व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको आपका फुल नेम, पूरा नाम, स्टैंडर्ड और डिवीजन लिखकर टीचर को भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू राइट योर फुल नेम, स्टैंडर्ड एंड डिवीजन। नाउ स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर ऑल्सो इफ पॉसिबल, एज इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों आप क्वेश्चंस भी लिखोगे और आंसर भी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो पेरेंट्स उनको क्वेश्चन लिखने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के हैं, स्टूडेंट्स आर स्मॉल, सो पेरेंट्स कैन ओनली राइट द क्वेश्चन। पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखकर दे सकते हैं इंग्लिश के नोटबुक में, और बच्चों को पूरा आंसर खुद से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस ऑल आर द टिप्स फॉर द रिविजन एग्जाम और दिस ऑल आर द टिप्स फॉर योर एग्जाम, सेमिस्टर एग्जाम। Now students, as you all know that this exam of semester is very very important, so do not miss any of the paper. Okay students, and this exam is of 20 marks. This exam is, again I am saying, very important. So from my side I wish all the best for your exams. Do well, practice at your home and study the revision as much as you can. बच्चों मैं मेरी तरफ से सभी बच्चों को all the best exams के लिए wish करना चाहूँगी, क्योंकि कल से आपका paper है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना practice और learn करोगे उतना ही best आपका exam होगा और आपको उतना ही अच्छे marks आएंगे। तो आपको
All the best students, wishing you for your each and every exams. Thank you for watching today's online lecture.